हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसको बनाना एकदम से आसान है पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ साबुत प्याज लिए हैं जो वज़न में 300 ग्राम के लगभग हैं। इसको हमने अच्छे से छील कर साफ़ कर लिया है और ये साइज़ में एकदम से छोटे छोटे हैं। छोटे साइज़ के ही प्याज का यूज़ करना है और देखो, इसके नीचे के हिस्से को कट नहीं करना है और ऊपर से इसको चार हिस्सों में कट कर लेंगे। इस तरह से सभी प्याज को हम तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, नीचे से इनका जॉइंट बंधा हुआ होना चाहिए, देखो इस तरीके से। अब एक कढ़ाई के अंदर हम 3 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं और इसकी मात्रा भी आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद में इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर हमने काला जीरा, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं, वो ऐड किया है। इन दोनों के अच्छे से चटकने के बाद में इसके अंदर हम 1/2 चम्मच के लगभग हींग ऐड करेंगे और हींग डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए ज़रूर ऐड करें। अब इसके अंदर हम 1 बड़ी चम्मच हल्का दरदरा कूटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाना पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। गैस को लो टू मीडियम ही रखना है और इसे लो आँच पर हल्का सा भून लेंगे। और 3 हमने यहाँ रफली कट की हुई हरी मिर्च ऐड की है। इसको आप बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी हम थोड़ा सा पका लेंगे और 2 छोटे साइज़ के बारीक कट की हुई प्याज ऐड करेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से लो आंच पे भून लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें हमने 3 से 4 टमाटर को अच्छे से पीस कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके साथ इसी तरीके से नई नई रेसिपी शेयर कर पाएँ। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 चम्मच के लगभग इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच के लगभग हमने नमक ऐड किया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 से 2 चम्मच के लगभग हमने यहाँ धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको साथ में ही पका लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल को अच्छे से ना छोड़ दें। बीच बीच में 1 से 2 बार ज़रूर चला दें, ताकि नीचे तले में चिपके नहीं। अगर आप हमारे चैनल की और भी राजस्थानी रेसिपी या फिर बाकी और रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखो, मसाले अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल को अच्छे से छोड़ दिया है। एक बार फिर से हम इन सभी को अच्छे से चला लेंगे। अब इसको हम और ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हम एक ग्रेवी ऐड करेंगे। ये हमने थोड़ी सी मलाई और थोड़े से काजू को डालकर पीस लिया है। इसका पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। आप सिर्फ मलाई भी ऐड कर सकते हैं या फिर सिर्फ काजू को भी पीसकर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे एक हल्का सा क्रीमीनेस आ जाता है, जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप या तो दोनों डाल सकते हैं या फिर एक तो ज़रूर ऐड करें। अब इसको हम चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। इसे बीच बीच में 1 से 2 बार ज़रूर चला लें, ताकि ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखो, ये अच्छे से पक चुका है, इसने भी ऑयल को अच्छे से छोड़ दिया है। हमारी ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम साबुत प्याज को ऐड कर देंगे और इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को लो टू मीडियम ही रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। प्याज बहुत जल्दी पक कर तैयार हो जाते हैं, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इनका साइज़ भी एकदम से हमने छोटे छोटा लिया है। अगर आप ये सब्जी झोलदार बनाना चाहते हैं तो इसी टाइम इसके अंदर पानी भी ऐड कर दें साथ में और इसे अच्छे से पकने देंगे। अब इसे हम ढककर पका लेंगे, जिससे हमारी सब्जी जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। और ये प्याज की सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। अगर आप प्याज से बने हुए अचार की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या आप फिर हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखो, ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसे चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखो, हमारे प्याज एकदम से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। इसका मतलब ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश धनिया नहीं है तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकने के बाद इसे ज़्यादा नहीं चलाना है वरना ये टूट जाएंगे। हमने इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। लो जी, हमारी राजस्थानी प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम से टेम्पटिंग है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा।